इतना खूबसूरत है स्टाइल। अगर इसकी फुल वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे कॉनन ब्यूटी सैलून के यूट्यूब पेज पे आके विजिट कीजिए और इसकी मुकम्मल वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगी। थैंक यू सो मच। हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, सब कैसे हैं? नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करा करें। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये स्टाइल आपको कैसा लगा, क्या आपने इस स्टाइल में कुछ सीखा, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी इस तरह के स्टाइल ब्राइडल सिखाएं। तो आप लोगों के लिए इतनी तबीयत की नासाजी की वजह से भी हम लोग शूट कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है हमारी, आपने पार्टिंग भी नजर आ रही होगी एयर टू एयर। बहुत सी बच्चियां कहती हैं हमें सेक्शन समझ में नहीं आती। देखिए, जब हम कोई फ्रंट पर अगर बॉक्स एरिया पे हम फ्रंट का पफ बनाएंगे तो हम बहुत कम पार्ट लेते हैं उसमें, और फिर अगर हमें फ्रेंच बनानी हो या कुछ डबल स्टाइल बनाना हो तो फिर हम ईयर टू बैक लेते हैं। ईयर टू बैक जब होगा तो आपके पास यहाँ काफी स्पेस हो जाएगा स्टाइलिंग करने के लिए। यहाँ पर मैंने बैक पे दिखाऊं मैं आपको, तो मैंने एक पोनी कर दी है जो आपको एक डोनट की हेल्प, यानी कि हम जूड़ा लगाएंगे यहाँ पर, और ब्राइडल का है ये जूड़ा। जैसे बहुत सी बच्चियों को ये होता है काफी बैक कॉमिंग की उनको परेशानी होती है, वो कहती है नहीं हमें बैक कॉमिंग, तो उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप डोनट इस तरह का लें। ये देखें ये डोनट है, और इस डोनट को मैंने यहाँ साइड में मैं थोड़े बाल छोड़ रही हूँ और थोड़े इस तरफ भी। इससे फायदा ये हो जाएगा कि मुझे अगर यहाँ कुछ स्टाइल करना होगा तो यहाँ से भी मुझे बाल मिल जाएंगे। हमने बच्चे की बालों के बैक पे बड़ी वाली क्रिम्पिंग कर दी और फ्रंट पर हमने माइक्रो क्रिम्पिंग कर दी है। माइक्रो क्रिम्पिंग आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो मेरी वीडियो में जाके देखें आप लोग, उसमें आपको माइक्रो क्रिम्पिंग के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से एक पार्ट ये लिया बिल्कुल। अब ये वाला पार्ट हमें किस तरह से रखना है ताकि हमें हाइट मिले, तो हमने ये वाला पार्ट इस तरह से एक बहुत, अगर क्विक बनाना चाह रहे हैं आप तो बस जल्दी से हम सारे बालों को ऐसे करेंगे और फटाफट एक क्विक हेयर स्टाइल हम डन करेंगे। एंड जूसी करने से ये होगा कि आपकी हाइट ये जो डोनट है ये बिल्कुल लूज लूज सा हो जाएगा। अब ये सिंपल है कि मैं इसको फैला दूंगी, इस तरह से मैंने ये फैला दिया बिल्कुल, और यहाँ मैंने एक शाइनर स्प्रे ले लिया। ताकि शाइनर स्प्रे किस कंपनी का, मैं लॉलेन की कंपनी का यूज करती हूँ, बहुत अच्छा और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपकी क्लाइंट इस तरह से सर नहीं झुकाएंगी, ऐसे मैंने एक रबड़ लिया, ये देखे ये बहुत आसानी से लग जाएगा, और ये रबड़ आम मार्केट से नहीं, देखें कितना खूबसूरत आपका ये कवर हो गया है ब्राइडल के लिए। अब हमारे पास ये वाले बाल आते हैं, देखें यहां से हमने इतना पार्ट लेना है और इसके दो पार्ट कर देना, इस तरह से आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा और एक ब्यूटीफुल इसका लुक आएगा। देखिए ब्राइडल बना रहे हैं, क्विक बनाएंगे और आप लोगों के लिए आसानी वाला स्टाइल लेकर आना। इस तरह से हम इसको ट्विस्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा आप इसको पुल भी करेंगे साथ में, बहुत ज्यादा टाइटली नहीं करेंगे। देखिए बस जो पार्ट इस तरह से ये ट्विस्ट करते हैं जब ये ऊपर आता है तो इसके साथ ये वाला पार्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम, मेरी हाथ की पोजीशन भी चेंज हो रही है और मैं ये बच्ची भी इसको भी टर्न करती चली जा रही। ये जो हमारे बाल हमने फैलाए थे और ये वही वाले बाल हैं, हमने कोई भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं ले रहे हैं, और इसको हम इस तरह से थोड़ा फैला फैला के ताकि अच्छा सा एक लॉक हो जाए। ऐसे यहां तक टर्न करते करते हम ऐसे आ जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ बाल खत्म हो गए हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हमारा ये वाला पार्ट, क्योंकि ब्राइडल के सिर्फ दुपट्टा आना है तो फिर हम यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे। इस तरह से आप इसको फैला फैला के आगे तक लेकर आएंगे और ये बिल्कुल आप ट्विस्ट करते हुए ऐसे लेकर आ जाए। फिर मैं इसको टर्न करती जा रही हूँ बच्ची को और पूरा आप ये जो पूरा पार्ट है ट्विस्ट करके इसको अच्छे से रैप कर देती हूँ और
ये हमने बिल्कुल डोनट में ही देखे ऐसे ये कवर पे किया। जब ये कवर हो जाएगा तो आपने शाइनर्स पे की मदद से, जब हमें दुपट्टा सेट करना हो तो हम इस तरह की बैक कॉमिंग करते हैं, और क्योंकि वो अंदर लॉक हो जाता है तो उसमें इतना काम करने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसको सेट कैसे करेंगे, लॉक कैसे करेंगे? छोटी वाली हम यू पे लेके, देखिए हमने ऐसे करके बिल्कुल डोनट में छोटी छोटी जगहों पे लगा देंगे ताकि आपकी एक ट्विस्ट ना ओपन हो ऐसे। ये पूरा एक कवर हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास बैक पे कितने बाल बचे हैं, ये देखिए सारे ये वाले बाल हमारे पास आ गए। अच्छा, यहाँ मेरी मॉडल के बाल जो हैं काफी लॉन्ग हैं तो मैं इसको जरा कवर कर रही हूँ। आप इसको कैसे लॉक कर रही हैं, देखिए इस तरह से हम ये लॉक कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट लेते जा रहे हैं हम। जब लॉन्ग हेयर हो और कुछ एक्सटेंशन वाला हमें काम करना हो तो फिर हम ये वाले बाल इस तरह से कवर कर रहे हैं। ओके जी, हमने यहाँ पर इस तरह से बैग पे सारा कवर कर दिया है ये हमारा। अब इसको अच्छे से आप टॉप भी करेंगे ताकि ये ओपन ना हो। हम यहाँ पर दो तीन जुड़े पिन की मदद से आगे के पार्ट पे बैग पे हमने ये अच्छे से लॉक कर दिया है। अब हमारे पास कुछ इस तरह के पार्ट आ गए, कुछ इस तरह के। अब हम इसमें फ्रंट निकालेंगे, यानी कि ये बताया जा रहा है अगर किसी के बाल कम है, सिर्फ इतने ही हैं, तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। अच्छा, यहां मैं फ्रंट का पफ निकाल रही हूँ तो ये मैंने आईब्रो से थोड़ा सा इसको चेक करते हुए ऐसे लिया, यानी हमने अपना क्लाइंट को चेक करना है कि इसका पफ कितना खूबसूरत आ रहा है, और ये वाला पार्ट हमने इस तरह से रखा। अभी देखिए साइड से मैंने थोड़ा डीप लिया ये वाला पार्ट और ये पार्ट ऐसे आ गया, और बाकी हमारा ये यहाँ का पार्ट आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ ये लॉक कर देंगे, ये बिल्कुल आप इसको लॉक कर दीजिएगा। अब आपका फ्रंट जो है बहुत अच्छे से फ्रंट को चेक करा जाता है कि कितना आप इसमें काम करेंगे। बाल अगर बहुत आपके पास अच्छे होंगे सिर्फ आप इस बॉक्स एरिया पे काम करें। यहां से मैंने ये छोटे बालों को, अगर नहीं जाते हैं तो इनको मत लीजिएगा, ये आपके यहाँ लॉक हो जाएंगे आप सिर्फ, और इसको चेक कर लेंगे हम ऐसे करके। ठीक है, यहां से हमने इस बच्ची के यहां से चेक कर लिया और अब हम सिर्फ इन बालों पे काम करें। अच्छा, ये जो बॉक्स एरिया हमने निकाला है इसको जब हम लॉक करते हैं तो हमने इसको बिल्कुल सामने की तरफ लाके ऐसे लॉक कर दिया। अगर आप इसको टाइटली लॉक करेंगे तो शायद खराब हो जाए। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास थोड़ा सा हमने इस बच्ची को ऐसे इस तरफ करा, कितने पार्ट पे काम कर रहे हैं। ये मेरा पूरा, ये जो आपका मेरा हाथ है ये देखिए ये इस पे पूरा बन रहा है। अगर आप देखा जाए कितना पार्ट लिया है, ये मेरा पूरा हाथ है, ये फोर फिंगर है समझे,
फोर फिंगर पे मैं ये काम कर रही हूँ और यहां से मैंने ये पार्ट लिया है। और फोर फिंगर पे काम करने के बाद अब इस बच्ची को मैं अपनी तरफ करूंगी। अच्छा, ये थोड़ा डीप लिया है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये देखिए। अब मैं थोड़ा सा यहां पर मैंने ऐसे रखा, ऐसे, माइक्रो क्रिम्पिंग हुई भी है इस पे। हम फ्रेंच बना रहे हैं और फ्रेंच हम ये देखें बहुत थम, तो ज्यादातर बच्चियां बहुत मोटे मोटे पार्ट पे भी कर लेती हैं और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मोटे पार्ट पे भी काम करते हैं तो। बस आपकी फ्रेंच बहुत अच्छी सी बननी चाहिए। थोड़ा लूज बना रहे हैं, ये बहुत सिंपल आप लोगों के लिए कर दिया है स्टाइल। इसमें मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट करती इसको, लेकिन ये मैंने बहुत इजी करके आपके साथ सिर्फ फ्रेंच बनाए आप यहाँ पर। और यहाँ पर आपने बहुत मोटे पार्ट पे काम नहीं करना, हाथ पीछे नहीं रखिएगा वरना आपकी खराब फ्रेंच बनेगी बहुत। यहां से हम पूरा पार्ट लेंगे, आपका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। यहां से हम इसको चेक करेंगे, यहाँ हमारे पास पूरी फ्रेंच बन चुकी है, ये देखिए। और अब हमें हाइट चाहिए, तो हाइट कैसे लेकर आएंगे? बहुत सी बच्चियां बहुत सी वैकॉमिंग करती हैं जिनके बाल कम हुए, देखिए इस तरह से मैंने एक हाइट दे दी अंदर पैडिंग रखकर। अभी मैंने पैडिंग को सेट भी नहीं करा, सिर्फ मैं आपको इसका एक लुक दिखा रही हूँ कि हमें इस तरह से एक पूरा नीचे तक बनाना है ये वाला पार्ट, ताकि आपको एक लुक आए। अब यहां से मैंने इसको बैक पर जाकर, जो हमने कहीं भी आप इसको टक कर दे छोटी यू पिन के साथ, ये देखिए। पैडिंग जो है मैंने थोड़ी बड़ी ली है, पैडिंग कितनी बड़ी है ये देखिए, यहां तक आ रही है ये पैडिंग, ये, ताकि ये पूरा कवर हो जाए, बड़ा अच्छा सा है। अगर जब हम बहुत पतला रख देंगे यहाँ पर तो सिर्फ ये यहीं पर ही आ जाएगा, फिर हमारा जो ये वाला पार्ट है तो इसको हम कैसे डन करेंगे। और ये मैंने पूरी शोल्डर तक लेकर आई हूँ, शायद आपको इतना अंदाजा ना हो। यहाँ से आप देखें, ये पूरा शोल्डर तक मैंने फ्रेंच बनाई है और इसी तरह से ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, ये देखें, कोई भी इतना मुश्किल नहीं है।
सिर्फ आप इसने यहाँ पर ऐसे इसको छोटा छोटा सा आपने ऐसे फिंगर की मदद से इसको स्प्रेड करना शुरू करेंगे। अंदर हमारी जो पैडिंग है वो भी बड़ी ब्यूटीफुल आ गई है, फ्रंट का पफ है, और ये छोटे से पार्ट जो हमारे ऐसे रखा, ये बैक पे हो जाएगा हमारा। अब हमने यहां वाला पार्ट कवर करना है। यहां से मैं थोड़े थोड़े पार्ट को लूंगी। बहुत सी बच्चियां कहती हैं हमें यहां पर पैडिंग बताएं साइड में, तो हम कैसे कवर करें। उनके लिए ये है कि हम इसको थोड़े थोड़े पार्ट को हम ऐसे लेते जाएंगे और बिल्कुल हाथ को ऊपर रखेंगे ताकि आप इस पार्ट के साथ इसको कनेक्ट कर सकें ऐसे, और बहुत ही कम पार्ट के साथ। सही हो जाएगा। अब बाजू का बहुत सी लोगों को ये भी मसला होता है कि हमारा झूमर सही से सेट नहीं हो पाता। थोड़ा हम गर्ल्स के लिए ये वाला पार्ट निकाल देंगे, बाकी हम इस तरह से रख देंगे। सारे पार्ट जब हमने इस तरह से ले लिए, देखें ऐसे ऐसे, आप इस तरह की पैडिंग ये देखें डोनट कट करके आपने यहां पे लगा दें। ऐसे ये चीज सेवलॉन यूज कर रहे हैं। सारे बालों को आपने ऐसे उठाया, यहां से भी आपने नीट करा। थोड़ा सा बालों को आपने ऐसे फैलाते हुए यहां से बिल्कुल नीट हो जाएगा। असली जो सेवलॉन होगा उसमें शाइनिंग होती है। इस तरह से करके बिल्कुल टाइटली आपने लेकर आना है यहां से, और ये पूरा आप कवर कर देंगे। ये भी कवर हो गया और ये पूरा एक कनेक्ट हो गया। हमारे पास ये वाला पार्ट है। मैं अभी वक्ती तौर पे इसको बैक पे कर रही हूं इस तरह से, ताकि आपको ये आज आपने देखा होगा कि थंबनेल में हम बता रहे हैं कि ये वाली एक्सटेंशन लगाना सिखा रहे हैं हम आपको, किस तरह लगेगी। ये बाजार में इसी तरह मिलती है, और अगर जिसको ना मिले तो वो मुझसे रब्ता करके ले सकता है। 1000 रुपीज ईच है। मैं आपको प्राइस बता दूं बाजू का, फिर बच्चियां बोलती हैं, और आपको 450 की डिलीवरी चार्जेस देना पड़ेंगे। मेरे पास ब्लैक और ब्राउन ये दो कलर हैं। काफी वॉल्यूम है, काफी माशाल्लाह जबरदस्त है, और ये बहुत इजीली लग जाती है। अच्छा, एक लगे ही कैसे, देखें स्टाइल हम डन कर चुके हैं। यहाँ हमारे पास कैचर है, अगर आप कैचर तोड़ के लगाना चाहें वो भी आप आराम से इसको ओपन करेंगे, कैचर आराम से निकल जाएगा। कैसे लगाएंगे देखें, बैक पे हम जाएंगे,
कोई भी पार्ट हम ऐसा देखेंगे कि कहां पर ये एडजस्ट हो रही है, उसके हिसाब से हमने इसको यहां में लेकर आई और मैंने पीछे बैग एक बेस बना लिया था ऐसे करके। ये लग चुकी है और प्रॉब्लम भी नहीं करेगा, ये देखें यहां। और अगर मुझे थोड़ा सा नीचे करना होगा तो मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैसे लगाना है। मैम ये किधर लगती है, कैसे होता है, ये देखें ऐसे ये आराम से एडजस्ट हो जाती है। और ये आपका स्टाइल, जिन बच्चियों के बाल बहुत कम हैं तो बड़ा मसला होता है कि अब हम यहाँ पे देखें पूरा स्टाइल हमारे पास ब्राइडल ऐसे आ गया है ऐसे। अब इसको हम सेट कर देंगे, जो छोटे बाल थे बिल्कुल हमने इतनी लेंथ में रखा ऐसे, आराम से ये सेट हो जाएगा। ब्राइडल का हैवी ओके जी, यहाँ पर ये वाले पार्ट हमारे पास आ गए। ये हमने नीचे एक्सटेंशन सेट कर दी है, बस पीछे कैचर लगाया और इसको हमने जैसे सेटिंग ऐसे करी है हमने, ये देखें ऐसे लगाते चले गए और इसको उसकी शेप में ऐसे हमने ऐसे टर्न करना शुरू कर दिया। जब टर्न करते हैं तो ये ऐसे शेप लेना शुरू कर देती है हमने, ये देखिए ऐसे। और फिर इसको आप स्प्रे की मदद से सेट कर दें ऐसे, बड़ा अच्छा सा इसका लुक आ जाता है। ये आप टेलीकॉम ऐसे चलाएंगे, ये देखें बड़ा खूबसूरत सा आता है इसका रिजल्ट। यहाँ हमने थोड़े बाल छोड़ दिए थे ताकि हम थोड़ा सा फेस फ्रेम कर लें, ये वाले बाल हमने ऐसे रखे, थोड़े थोड़े ले लिएगा। ये देखें पहले ये वाला पार्ट लेते हैं, ऐसे ऊपर से ही थोड़ा लाइन क्रिएट्स कर रहे हैं ऐसे सॉफ्ट करके, बिल्कुल देखा जाए तो ऐसे हमने बिल्कुल फेस को फ्रेम कर दिया, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसके साथ हम मर्ज करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसको बैक पे ले जाके आप पिन अप कर दें। अच्छे से पिन अप करेंगे, फिर आप इस वाले पार्ट को भी लेंगे ये थोड़ी कनेक्टिविटी करी जा रही है ताकि जो है हमारा स्टाइल नीचे वाले पार्ट के साथ मैच होता हुआ लगे, वरना फिर अलग अलग पार्ट बिल्कुल लगते हैं। और यहां पर फिर हम सेवलॉन की मदद से ऐसे हर पार्ट को आप छोटे छोटे सेवलॉन की मदद से ऐसे कि ये हमारा जो है हम कर्ल्स के लिए निकाल रहे हैं।
ओके जी, हमारा फाइनल जो है फ्रंट का पफ रह गया है बस। ये माइक्रो क्रिम्पिंग देखने कितनी अच्छी स्मूथ की हुई है हमने इस पे माइक्रो क्रिम्पिंग। और यहाँ मैं माइक्रो क्रिम्पिंग इंट्रोड्यूस करा दूँ जो बची है हमारे पास कि कौन सी माइक्रो क्रिम्पिंग है। ये देखिए मैंने इस पे ये वाली माइक्रो क्रिम्पिंग की है। अगर जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं, माइक्रो क्रिम्पिंग क्या है? माइक्रो क्रिम्पिंग ये बहुत देखिए बारीक होती है और जिससे वॉल्यूम आता है। हमें फ्रंट के पफ बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है और हमें मुश्किल होती है। हमें इस तरह की बड़ी वाली क्रिम्पिंग नहीं करनी। फ्रंट बहुत चीप लुक आता है, देखें आप लोगों को फील भी नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पर हमने क्रिम्पिंग की है। इससे बड़ा इजीली आप इसको हैंडल कर सकती हैं, हेयर स्टाइल को आराम से पफ बना सकती हैं। मैंने यहाँ पर जितना भी ये फ्रंट का जितना भी हेयर पे काम करा है मैंने अपनी माइक्रो क्रिम्पिंग, बैक पे मुझे नहीं नीड थी तो मैंने ये यूज कर ली। ठीक है, तो माइक्रो क्रिम्पिंग अगर जिसको भी चाहिए तो दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और ये बहुत जबरदस्त है, मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी मिली है और माशाल्लाह से मैं इसको बहुत अच्छे से यूज कर रही हूँ। मेरा तो काम आसान हो गया, अब आप भी लें और अपना काम आसान करें। तो हम आते हैं अपने फ्रंट के पफ पे। जैसे कि हमने कहा था अपने बैक पे देखें किस तरीके से हमने स्टाइल को डन कर दिया आपके साथ। और अब यहाँ पर हम ये पीछे पिन निकाल देंगे। मेजोरिटी के साथ बड़ा मसला होता है, थोड़ा मैं इस तरफ आ जाऊं। हमारे साथ एक मसला होता है कि हमारा फ्रंट का पफ अच्छा नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं पूरी वीडियो बताया करें। देखिए इस तरह से मैं छोटे छोटे पार्ट पर बैक कॉमिंग दे रही हूँ। अच्छा, बैक कॉमिंग भी मैं पराग कॉम से दे रही हूँ। देखें ये बारीक वाला कॉम है इससे, और बहुत ही थिन पार्ट। पहले तो हमने क्रिम्पिंग कर दिए और क्रिम्पिंग करने के बाद हमें इतनी नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी जब हमें हाइट चाहिए होती है तो इस तरह से हम ये चीज Yes. बहुत ही थिन पार्ट के साथ जब आप वर्क करते हैं तो बड़ा ब्यूटीफुल आपका वर्क आता है। छोटे छोटे पार्ट के साथ हम काम करेंगे। आप बिल्कुल टफ बैक कॉमिंग देंगे, हल्की हाथ की बैक कॉमिंग हमें नहीं चाहिए। ये देखिए, और फ्रंट का पफ हम इस तरह से बनाएंगे कि हमारा ये पार्ट भी दिखे। इतनी हाइट यहां देंगे, ये हमारा दुपट्टा आ जाएगा और ये हमारा जो छोटे अब हमारी हाइट अगर नहीं आती तो अब हमने यहां पर हम केक का हमने सेंटर में कर दिया है। थोड़ा चैनल पे देंगे ताकि हमारे बेबी हेयर कवर हो जाएं सारे। इस तरह से हम सब तरफ इसको टैंगल फ्री करेंगे। आपके पास कोई भी कॉन हो आप इस तरह से लाइनें बहुत आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। बैक से भी जाके आप इसको नीट करेंगे। ये देखिए
इस तरह से बहुत ही इसका एक ब्यूटीफुल लुक आ जाएगा। हमने सिर्फ कॉम करा है, बैक कॉमिंग करी है और जस्ट इसको लॉक करेंगे। लॉक कहाँ कर रही है मैम आप? ये देखिए, बिल्कुल हमने इसको थोड़ा सा स्प्रेड करा, स्प्रेड करके इसके साथ बैलेंस करा। कोई मुश्किल नहीं, बहुत इजी। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इतना खूबसूरत स्टाइल आपके साथ शेयर करा है और बहुत आसानी के साथ आपको फ्रंट का पफ, हमने कोई इसमें पार्ट हमने नहीं छुपाया है, उसका बैलेंस हमने सारी, अभी हम इसको सेवलॉन के साथ सेट करेंगे, लेकिन आपके साथ हमने बिल्कुल इजी ऐसे ही दिखा दिया है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैम सारे पार्ट छुपा देती हूँ। अब जो जो पार्ट हम इसको लगेगा कि ये वाला पार्ट हमारा ये फोरा है, तो हम इसको थोड़ा दूर रखकर ऐसे टेलीकॉम की मदद से ऐसे सेट करेंगे जो भी छोटे वाले बाल होंगे। इस तरह से हमने इसमें लाइनें, और ज्यादातर ये होता है कि स्ट्रिकिंग हुई भी होती है तो वो लाइनें ऑटोमेटिक आपको फील होती हैं। जब ब्लैक हेयर होते हैं तो उसमें स्टाइलिंग इतनी फील नहीं हो रही होती है। इस तरीके से खूबसूरत हम टेलकॉम की मदद से ही हमने उसको शेप लेकर आ गए। और अब जैसे ये रफ हो रहा है ये वाला पार्ट, तो हमने यहां पर हाथ रखा, सेट डाउन हमने यहाँ पे कर दिया और अब हम टेलीकॉम की मदद से ही सारा यहाँ पर ऐसे नीट कर दिया। तो आई होप कि आपको ये स्टाइल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब हम वहां इसको डेकोर करते हैं। ये देखो, बिल्कुल यू पिन की मदद से ही मैंने इसके पार्ट को लॉक कर दिया है। ये वाला पार्ट भी हमने इसको कवर कर दिया, शोल्डर पर हम इस तरह से इसको फैला के यहां से हमने इसकी सेटिंग कर देंगे। और अब हम इनको चुनरी पहना देते हैं। क्या लगा ये स्टाइल आपको? ये पूरा जैसे हमने एक लुक, और बैक पर हमने सिर्फ दुपट्टा ऐसे ही सेट कर दिया है, तो जरूर बताइएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में। इतनी तबीयत की नासाजी में हमने आपके साथ ये वीडियो शूट करी है, तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा हमारे चैनल। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ हम आपके साथ शेयर करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।